हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? और मैं आज आपको ये मदरबोर्ड के रिपेयरिंग और कंपोनेंट्स के बारे में बताना जा रहा हूँ। और ये आपका मदरबोर्ड है, जिसे आप देख सकते हैं पीछे से और आगे से, फ्रंट साइड से। ये आपका जेब्रोनिक्स G31 का बोर्ड है और इसके आप सारे कंपोनेंट्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, ये पिन है, इसमें बहुत सारी पिन है और ये CPU सॉकेट कहते हैं इसको। यहाँ पे हमारा प्रोसेसर लगता है, जो कि हमारा बोर्ड का मेन पार्ट है। और आप ये दो स्लॉट्स देख सकते हैं, ये रैम स्लॉट है। यहाँ पे हमारे रैम लगते हैं, जिसकी वजह से उसको डिस्प्ले आता है। ये PC, ये पावर TI कनेक्टर है, जो जिसमें पावर पोर्ट लगता है। SMPS से पावर यहाँ से आके मदर बोर्ड को जाती है। और ये PCI एक्सप्रेस ग्राफिक कार्ड स्लॉट है, यहाँ पे हमारा ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, जो गेमिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये PCI स्लॉट है, यहाँ पे LAN कार्ड, साउंड कार्ड और एक्स्ट्रा अदर कार्ड्स लग सकते हैं, जो अपन एक्सटर्नल में यूज़ कर सकते हैं। ये इसके साटा पोर्ट से जो हार्ड डिस्क और DVD राइडर को सप्लाई दे, DVD राइडर से कनेक्टेड होते हैं और ये मदरबोर्ड को कनेक्शन देते हैं। मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क और DVD राइडर से डाटा लेते हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बारे में। यहाँ पे ये कीबोर्ड कनेक्टर है, अपन PS2 कीबोर्ड लगा सकते हैं। और ये PS2 माउस का कनेक्टर है, यहाँ पे ओल्ड टाइप के माउस और कीबोर्ड लगते हैं। और ये है हमारा HDMI पोर्ट, जिससे हम HDMI कनेक्टर से इसको बड़े डिस्प्ले से कनेक्ट कर सकते हैं। ये आता था पहले प्रिंटर के लिए, जो बहुत पुराने प्रिंटर इससे कनेक्टेड होते थे। और ये है VGA पोर्ट, जिससे नॉर्मल डिस्प्ले कनेक्ट होते हैं। और ये हमारे है USB पोर्ट्स, इन USB पोर्ट से हम माउस, कीबोर्ड और अदर थिंग्स जैसे गेमिंग कंट्रोलर्स कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा है LAN पोर्ट, जहाँ से LAN मतलब नेट कनेक्ट होता है। और ये हमारे हैं साउंड पोर्ट, साउंड पोर्ट में ये ग्रीन वाला है साउंड का, ये है वॉइस का और ये है अदर का। ओके, ठीक है। और आइए और हम जानते हैं इनके कंपोनेंट्स के बारे में। ये अब डिटेल्स में जाते हैं हम। ये यहाँ से प्रोसेसर को पावर भी मिलती है और डेटा भी लेता है ये यहाँ जब, और जब ये डेटा लेता है तब मदरबोर्ड पे प्रोसेसर फंक्शन करता है। और प्रोसेसर फंक्शन करने से पहले क्या होता है हम आपको बता दें। यहाँ से जब पावर आती है वो नॉर्थ ब्रिज को जाती है, नॉर्थ ब्रिज ऑन होता है और जो पावर साउथ ब्रिज को देता है। साउथ ब्रिज जब ऑन होता है वो पावर ICs को देता है और ICs जो है प्रोसेसर पे पावर देती है। और पावर आने के बाद प्रोसेसर पे स्टार्ट, प्रोसेसर को पावर आती है और प्रोसेसर जो है पावर वापस ICs को देता है और ICs जो है ये इस रैम स्लॉट को पावर देती है। और यहाँ पे रैम स्लॉट में डेटा पूरा पावर पूरा होने के बाद डेटा प्रोसेस होता है और हमारा जो डेटा है वो BIOS को जाता है और BIOS से वापस उससे जाता है प्रोसेसर, और फिर हमारा मदरबोर्ड ऑन हो जाता है।